पूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लाल मिर्ची और लहसुन की चटनी। बिल्कुल ऐसी चटनी बनाएंगे, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन की चटनी। उसके लिए मैंने काफ़ी सारी लाल मिर्ची ली है साबुत, और ये 3 गट्ठा लहसुन लिया है। मिर्ची को हम अभी 2 घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे पानी में। इसके लिए हम मिर्ची को बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने बाउल में डाल दिया सारी मिर्ची, और इस मिर्ची को हमें 2 पानी से धो लेना अच्छे से, ताकि जो कोई धूल मिट्टी हो ऊपर वो साफ़ हो जाए इसके। इसी तरह से हमें अच्छे से धो लेना है। ये हमारी मिर्ची धुलकर तैयार है। अच्छे से हमने इसे 2 पानी में धो लिया है। अब हम 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही पानी में भिगो के रखेंगे। आप चाहे तो गर्म पानी में भिगो सकते हो, लेकिन गर्म पानी में क्या होता है, इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। लाल मिर्ची और लहसुन की चटनी के लिए आप चटनी मिर्ची को ठंडे पानी में 2 घंटे के लिए भिगो के रखो, और बाद में इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लो तो अच्छी बनती है। तो उसके लिए हमने 3 गट्ठा जो लहसुन लिया है इसे अब छील कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी मिर्ची भीग कर तैयार है। इसे हमने 2 घंटे तक भिगो के रखा पानी में। अब हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। हमने इसके बीज नहीं निकाले हैं, और आपको अगर तीखी कम चाहिए तो आप मिर्ची के बीज निकाल सकते हो अंदर से। मैंने ऐसे साबुत ही भिगो दी इसको पानी में। ये हमने मिर्ची मिक्सी के जार में डाल दी है। अब इसको हम थोड़ा पीस लेंगे, ज़्यादा नहीं पीसना है। ये मिक्सी के जार में हमने मिर्ची डाल दी है सारी, और अब हम थोड़ी देर पीसेंगे इसको। इसको हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा दरदरा रखना है। दरदरा होता है वो खाने में भी टेस्टी लगता है, और देखने में बहुत अच्छी दिखती है इसकी चटनी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, हमें थोड़ा सा ही डालना होता है पानी इसमें। अब हम फिर से एक बार इसको मिक्सी में फेर लेंगे। ये हमारी चटनी पीस कर तैयार है। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से पीसी गई है एकदम। हमें ऐसे ही दरदरी रखनी है। और अगर आप मिक्सी के जार में नहीं करना चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो। सिलबट्टे पे नहीं करना हो तो छोटा सा जो हमारा दस्ता आता है एल्युमिनियम का, उसमें भी कर सकते हो। हमें इसी हिसाब से रखनी चाहिए। ये देखिए, अब हम निकालेंगे इसको बाउल में। ये देखिए, ये हमने सारी चटनी निकाल दी इसमें बाउल में। और ये हम जब भी धो लेंगे इसका थोड़ा सा पानी डाल के, इसमें चटनी लगी हुई है और इसी के अंदर डाल देंगे ये पानी में। ये हमारी चटनी पीस कर तैयार है। अब हम इसको वापस तेल में थोड़ा तड़का लगाएंगे। ये हमारी चटनी का सारा सामान रेडी है। ये देखिए, मैंने लहसुन जो आपको 3 गट्ठे दिखाया वो तीनों छिल कर ऐसे दरदरा पीस लिया है, और थोड़ा सा हमने सूखा धनिया लिया है। इसको मैंने हाथ से ऐसे मसल कर किया है, इससे क्या है टेस्ट अच्छा आता है। आप चाहो तो हमारे दस्ते में कूट कर भी कर सकते हो। और ये मिर्ची हमारी, अब हम लगाएंगे चटनी को तड़का। ये हम डाल रहे हैं तेल फ्राई पैन में। तेल हमें इसमें काफ़ी सारा चाहिए। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे इसमें। अब डालेंगे लहसुन जो हमने पीस कर रखा है दरदरा। लहसुन हमने सारा डाल देना है इसमें। हल्का ब्राउन करना है हमें लहसुन को इसका। ये चटनी हमारी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे चाहे कैसे भी खाइए, सब्जी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, चाहे बाजरी की रोटी बनाओ इसके साथ, चाहे गेहूँ की रोटी बनाओ, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारे चटनी का कलर, इतनी अच्छी दिख रही है। इसमें खाना में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब जो हमने धनिया, साबुत धनिया जो दरदरा करके रखा था वो भी डाल देंगे। अब थोड़ा सा हम डालने वाले धनिया और जीरे का पाउडर, फिर से इसे हिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए, अगर आप इसी तरह से बनाओगे चटनी तो बहुत ही अच्छी बनेगी आपकी चटनी, तो खाने में बहुत अच्छी लगेगी। आप एक बार बनाओगे बार बार खाने का मन करेगा आपको। अब हम डाल देंगे नमक इसमें। नमक हमें स्वाद अनुसार डालना होता है। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ये देखिए, ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। इसे हमें तब तक भूनना होता है जब तक इसमें से पानी सारा नहीं जल जाए। पानी होता है तो फिर आपकी चटनी जल्दी ख़राब हो जाती है।
और अगर आप इसका पानी अच्छे से जला दोगे, बिल्कुल एकदम तेल छोड़ देती है चटनी हमारी, तो इस तरह से बनाएं तो आप लंबे समय तक इसको रख सकते हो। और फ्रिज में तो आप एक महीने तक रखो तो भी ख़राब नहीं होती, बाहर रखने से वो 4 से 5 दिन तो चलती है। इसको सिर्फ यही होता है कि इसका पानी अच्छे से आपको जलाना होता है। आपकी चटनी में अगर पानी रह जाएगा तो आपकी चटनी जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर आपको स्टोर करके रखनी चटनी को तो आपको इसे अच्छे से भूनना होता है। ये देखिए, ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। हम सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसको ढक्कन लगा के रख देंगे गैस पर। ढक्कन लगा के रख देंगे चटनी पे थोड़ी देर, सिर्फ 1 से 2 मिनट रखना है हमें, ताकि हमारे सारे जो हमने धनिया वगैरह डाला है, लहसुन, इसकी खुशबू अच्छे से आ जाए इसके अंदर। ये हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, तो ये हमारी चटनी भी रेडी है। एकदम अच्छे से पक गई हमारी चटनी। ये देखिए, थोड़ा भी इसमें पानी नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें से बाफ नहीं निकली, मतलब पानी सारा जल गया है। अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम बंद, हम चटनी निकाल देंगे बाउल में। ये देखिए, ये हमारी चटनी बनकर तैयार है। हमने इसे बाउल में निकाल दिया, बहुत ही अच्छा कलर आया इसका। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।